महीनों लॉकडाउन में कैद रहने के बाद अब अनलॉक एक होने पर गाजीपुर शहर भी धीरे धीरे सांस लेने लगा है। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन 8 जून से धार्मिक स्थलों और होटल रेस्टोरेंट को खोला गया है। प्रशासन ने लोगों से ताकीद कर रखी है कि बिना सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था न तो इन संस्थानों को खोले, न ही यहां बिना मास्क के किसी को आने दें। इस आदेश का पालन कितना हो रहा है, यही जानने के लिए गाजीपुर के पुलिस कप्तान डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह खुद सड़क पर उतरे। उनका साथ दिया कोतवाली प्रभारी धनंजय मिश्रा ने। गाजीपुर एसपी ने कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा। इसके अलावा कोरोना संबंधित अन्य निर्देशों का पालन करने को लेकर भी बात की। गाजीपुर एसपी ने इसके साथ ही कोतवाली जंगीपुर और कोतवाली करंडा बॉर्डर पर लगे बैरियर का भी जायजा लिया। बॉर्डर के दोनों तरफ कोई अवैध आवागमन न हो, इसकी जांच भी की गई। उन्होंने वहां ड्यूटी पर मौजूद लोगों को सुरक्षा संबंधी तमाम दिशा निर्देश भी दिए। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।